नमस्कार, मैं कल्याण जोशी, फट चित्रकार, भीलवाड़ा, राजस्थान। यह मेरी परंपरागत आर्ट है जो कि मेरे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। इस कला के लिए मुझे भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसमें कहानी के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। फर पेंटिंग जो है कपड़े पर बनाई जाती है और हाथ के बने हुए प्राकृतिक रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं, जिसको हम लोग मैदा का कलप बना करके लगाते हैं और फिर स्ट्रेच करके उसको सुखा देते हैं। सूखने के बाद उसकी बर्निशिंग होती है, फिर वो पेंटिंग के लायक हो जाता है। इसी तरह से सारे नेचुरल कलर भी हम हाथ से बनाते हैं। इसमें कोई रंगों का मिक्सर नहीं होता है, इसमें प्राइमरी रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लाल, पीला, हरा, नीला, काला। फड़ राजस्थान की लोक कला है और इसका जन्म तकरीबन 650 वर्ष पूर्व हमारे ही परिवार में हुआ था। इसमें बाबूजी और देवनारायण की लोक गाथाओं को चित्रित किया जाता है। बाबूजी और देवनारायण राजस्थान के लोक देवता थे और इनको गांव में काफी लोग मानते हैं। इनकी गाथाओं को सुनाने का पुराना प्रचलन रहा है। बोपा कम्युनिटी के लोग हमसे फड़ बनवा करके लेके जाते हैं और विलेज टू विलेज इसकी गाथा को गा करके सुनाते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता था और उनको एक मैसेज भी जाता था कि बाबूजी और देवनारायण ने लोगों के लिए, जनहित के लिए क्या काम किए थे, इसीलिए उनकी गाथा गाकर सुनाई जाती है। इसमें बाबूजी की कहानी बताई है मैंने। बीच में बाबूजी का कोट दिखाया है और यहाँ आगे शुरुआत में बाबूजी की शादी का सीन दिखाया है, जिसपे काले घोड़े पे सवार होकर बाबूजी शादी करने के लिए आते हैं तोरण मारते हुए। पीछे घोड़ों पे बारात है बाबूजी की पूरी। यहाँ बाबूजी की शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं। नीचे सोडी राजकुमारी, जिसके साथ बाबूजी की शादी होती है, वो झूला झूल रही है अपने गार्डन में। फिर आगे पूरी स्टोरी कंटिन्यू। इसमें कहानी को पूरा चित्रित किया जाता है, जिस तरह से थिएटर में एक नाटक देखते हैं अपन, उसी तरह से फड़ को गाने वाले भोपे लोग इसको परफॉर्म करके सुनाते हैं। हम लोग अगर कोई कहानी बनाते हैं तो पहले पूरा विजुलाइजेशन करते हैं और उसको कैनवास पर पूरा उतार देते हैं, जस्ट लाइक ए कॉमिक्स। आप एक कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसी तरह से इस फड़ को देख करके पढ़ सकते हैं। सारे सीन विजुलाइज होते हैं। इसी तरह से कई नई नई कहानियों पर काम करना शुरू किया है मैंने। बाबूजी और देवनारायण पुरानी लोक गाथाएं हैं। इसके अलावा मैंने रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती और यहाँ तक कि अभी मैंने कोरोना महामारी के ऊपर भी पूरा एक स्टोरी किया है। ये जो ड्राइंग किया है इसमें पनिहारिन को बताया हुआ है जो कि पानी लेने के लिए जा रही है। इसके सर पे गड़ा है और पनघट पे पानी लेने के लिए जा रही है, तो ये पनिहारिन हुई। मैं एक राजा बना रहा हूं जो बैठा हुआ है। हम रफली ड्राइंग डालते हैं
एक आइडिया के रूप में कहाँ कहाँ कलर फिलिंग किए जाएंगे। बस इसी तरह से कि राजा बैठा है, पगड़ी है, ये इसका बाजू, ये इसकी कलाई हाथ, ये दुपट्टा और ये इसका हाथ में फ्लावर है जिसको ये बैठने की पोजीशन है। दरबार में इसी पोजीशन में बैठा जाता है। ये इसके हाथ में भाला है, स्पीयर, ये पीछे मसंड लगा हुआ है। फड़ में इस तरह के पेड़ पौधे बनते हैं जिसमें सीधा फ्लैट ग्रीन कलर भरा जाता है। ये इसमें बैठी हुई दो चिड़िया है, बड़ी सिंपल फॉर्म में बनाई जाती है। इसको हम तोता मैना कहते हैं। एक मेल बर्ड्स है और एक फीमेल है। और ये इस तरह से फ्रूट्स हम बना देते हैं। कलर जब भरते हैं तब अलग अलग रंगों के साथ हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये तोता है, ये मैना है। इसी तरह ये केले का पेड़ बनाया जाता है। बड़ा सिंपल तरीका है बनाने का। ये केले की लीफ है दोनों तरफ। इसके अंदर फिर इस तरह से लाइन डल जाती है। डिटेलिंग वर्क जब कलर भरने के बाद जब आउटलाइन करते हैं तब उस समय किया जाता है। ये इस तरह से ट्रीज प्लांट्स बनते हैं। और पेड़ों के अंदर जिस तरह से हम लोग डिटेल करते हैं वो इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये राजस्थान का केमल, जो बाबूजी की फड़ में विशेष तौर से इसका उल्लेख है। राजस्थान में पहले ऊंट नहीं थे, बाबूजी ही राजस्थान में ऊंट लेके आए थे अपनी भतीजी खेलम को दहेज में देने के लिए। तभी से राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं। ऐसा बाबूजी की फड़ में उल्लेख है जिसे हम लोग बनाते हैं। ऊंट बड़े ही सुंदर और कलरफुल ऊंट बनाए गए हैं फड़ में। फड़ के लिए ये सूती कपड़ा जिसको मार्किन बोलते हैं, ये हाथ की लूम पे बनता है और ये इसके लिए कपड़ा बहुत सही रहता है। क्योंकि इसके ये हाथ की लूम पे बना हुआ होता है सूती कपड़ा, इसमें एक ग्रेन्स होते हैं जिसमें क्या हम लोग मैदा का स्टार्च बना के लगाते हैं ना, तो स्टार्च कवर कर लेता है इस जगह को और पेंटिंग के लिए ब्रश बड़ा स्मूथली चलता है। जब हम लोग स्टार्च लगा के इसको बर्निश करके सुखाते हैं तब ये कैनवास इतना स्मूथ हो जाता है पेंटिंग के लिए। ये ब्रशेस जो हैं ये सभी सेवर हेयर ब्रशेस हैं, जो कि नेवला होता है मंगूस की बॉडी के बाल से बनी हुई ब्रशेस हैं और इनसे बड़ी सफाई से फिलिंग होता है कलर्स और पॉइंट बराबर बना रहता है। इनके हेयर जो है बड़े सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। जो मेरे काम आने वाली ब्रशेस हैं उसको मैं
ये ग्रीन कलर है जो जंगाल से बनाया जाता है। ये लाल रंग है जो कि हम लोग हिंगलू से बनाते हैं। पहले इस तरह से पत्थर के फॉर्म में होता है रेड कलर, उसको हम लोग पीसते हैं पत्थर के ऊपर। पत्थर के ऊपर पीसने के बाद हम लोग उसको बाउल में ले लेते हैं, हमें जितना चाहिए उतना, और गोंद के साथ उसको मिक्स करते हैं। जब गोंद के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है इस तरह से, तो फिर हम इसको छान लेते हैं कपड़े से छान के और डिब्बे में भर लेते हैं। फिर इसको हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ये इसी तरह से गुटाई होती है उंगली से, ताकि कलर और गोंद अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको फिर हम लोग कपड़े से छान लेंगे, अभी छान के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंपोजिशन रेडी है। इसमें मैंने ये दिखाया है, एक नेचर लवर लेडी है जो प्रकृति से प्रेम करती है, वो चिड़िया को खाना खिलाते हैं, दाना खिलाते हुए बताया है, और पेड़ पे बैठी है चिड़िया और ये उसको दाना खिला रही है। दूसरी चिड़िया उड़ के आ रही है इसके पास, और नदी किनारे थोड़ी घास वास दिखाई हुई है। मैं कुछ करंट टॉपिक को लेकर के ज़्यादा काम करता हूँ, तो भी कोरोना काल जो चल रहा है उसमें मैंने ये दिखाया है स्टे होम। इसमें ये सभी लोग घर में हैं, टीवी पर रामायण सीरियल चल रहा है, ये लड़का रिमोट हाथ में रामायण देख रहा है, ये लड़की अपने मोबाइल पे कुछ खेल रही है, एक लेडी किचन में कुछ खाना बना रही है, बच्चों के पिताजी जो हैं वो ऑफिस का काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ के लैपटॉप पे, और ये घर के बुजुर्ग हैं, ये सब्जी काट रही है। और घर से अगर बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना है जो कोरोना खा जाएगा। जो लोग घर से बाहर निकले हैं उन लोगों को इन्होंने मार दिया है। इसमें मैंने स्टे होम दिखाया है। ये फड़ को मैंने थोड़ा और अलग तरीके से किया है, इसमें राजा रानी चौपड़ खेल रहे हैं। ये भी कोरोना काल से संबंधित ही लिखा है मैंने, घर में रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते गाते रहें। तो इस समय पुराने गेम्स जो मैंने देखा निकल के आए हैं घरों में, जो पुराने ट्रेडिशनल गेम्स जो थे, वो लोग घरों में जब क्वारंटाइन में थे तब इसी तरह के गेम का ज़्यादा उपयोग हुआ है। ऊपर लिखा है, थोड़े समय की सामाजिक दूरी जीवन भर मिलने के रास्ते खोल देती है, इसलिए अभी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो आगे ज़िंदगी में मिल सकेंगे।